वेलकम टू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। ये ईमेल मुझे खुद YouTube ने भेजी, जिसका मतलब है कि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब मेरा चैनल कितने टाइम में मोनेटाइज हुआ, एक दिन में, दो दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में, और कैसे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया एंड कौन सी वो मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनसे आपका चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ही ना हो, तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पे आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जैसा आप जानते हैं कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जो है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर लास्ट 365 डेज में, या फिर शॉर्ट वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज इन लास्ट 90 डेज। जब आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। आपको अपने मोबाइल में YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है एंड नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा अर्न का, आपको उस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद वहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है, उससे पहले आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहां पे आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शंस पे राइट का टिक होना चाहिए, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे राइट का टिक ना हो। यहां पे आपके सब्सक्राइबर भी पूरे होने चाहिए, आपका वॉच आवर भी पूरा होना चाहिए एंड आपके चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका यहां पे कंप्लीट नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपको वापस से स्क्रॉल अप करना है एंड वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको तीन स्टेप्स दिखाई देंगे जो आपको वन बाय वन कंप्लीट करना होगा। पहला जो स्टेप है वो है रिव्यू बेस्ड टर्म्स। यहां पे आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड सबसे नीचे की तरफ आ जाना है एंड वहां पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वापस से आप उसी पेज पे आ जाएंगे एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड स्टेप पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, मतलब यहां पे आपको अपने चैनल पे गूगल एडसेंस अकाउंट को कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव एन एडसेंस अकाउंट, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है तो मैं यहां पे चूज करूंगा यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, और अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको यहां पे नो वाला ऑप्शन चूज करना है, नो आई नीड टू क्रिएट वन, मतलब आपको एडसेंस अकाउंट अभी बनाना है। तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने लिए एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, जहां पे आप अपनी कोई भी जीमेल आईडी यूज करके एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं एंड वहां पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भी वहां पे फिल करनी होगी, जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह एंड वहां पे आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है तो मैं यहां पे चूज करूंगा यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गूगल एडसेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे मुझे अपनी वो आईडी लॉगिन करनी होगी जिससे मेरा ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बना हुआ है एंड लॉगिन करने के बाद मेरा एडसेंस अकाउंट यहां पे ओपन हो जाएगा, जहां पे मेरी सारी डिटेल्स वहां पे आ जाएंगी एंड मेरे YouTube चैनल का लिंक भी वहां पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्ट एसोसिएशन, उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आप YouTube स्टूडियो ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे दो स्टेप्स जो है कंप्लीट हो गए एंड तीसरा स्टेप ऑटोमेटिकली अपने आप इन प्रोग्रेस चला जाएगा, मतलब आपका जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में जा चुका है। अब YouTube आपके चैनल को रिव्यू करेगा, रिव्यू में वो क्या देखेंगे कि आपके चैनल का नीश क्या है, किस कैटेगरी में आपने वीडियोस बनाई है, आपके चैनल पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है वो कौन सी है, आपके चैनल पे जो वॉच आवर कंप्लीट हुआ है वो कौन सी वीडियोस से कंप्लीट हुआ है एंड साथ ही साथ वो आपकी वीडियोस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग्स सब कुछ रिव्यू करेंगे एंड यहां तक ये भी चेक करेंगे कि आपने कहीं किसी और का कॉन्टेंट तो पोस्ट नहीं किया, कोई कॉपीराइट कॉन्टेंट तो पोस्ट नहीं किया, आपका अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट है या नहीं। सब कुछ रिव्यू करने के बाद अगर आपका चैनल रिव्यू में पास होता है तो आपके पास मेल आ जाएगी कि वेलकम टू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। वैसे तो यहां
यहाँ पे YouTube ने लिखा हुआ है कि YouTube will review your channel and it may take up to one month. लेकिन एक महीना नहीं लगता, कुछ ही दिनों में मेल आ जाती है. मुझे भी 2 दिन में मेल आ गई थी एंड मेरा चैनल 2 दिन में मोनेटाइज हो गया था. अब कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो मोस्टली क्रिएटर्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट हो जाता है. एंड वो मिस्टेक्स कौन सी है? पहला है कॉपीराइट कॉन्टेंट. आपको अपने चैनल पे किसी और क्रिएटर का कॉन्टेंट पोस्ट नहीं करना है, आपका कॉन्टेंट आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए. दूसरा है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक. आपके चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए. अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा. तीसरा है रिव्यू. जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो YouTube अच्छे से आपके चैनल को रिव्यू करता है. YouTube अच्छे से चेक करता है कि आपने जो वीडियोस पे थंबनेल लगाया है, टाइटल लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है या जो आपने टैग्स लगाए हैं वो रिलेटिव ही लगाए हैं. ऐसा ना हो कि आपने वीडियो में कुछ और दिखाया है, टाइटल में कुछ और लिखा है, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है और टैग्स कुछ और लगाए हैं. तो आपकी सारी चीजें आपकी वीडियो से रिलेटिव होनी चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट हो सकता है. तो इस तरह से आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पे आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी. थैंक यू सो मच.